वाहो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। सो इन्हां वाकां दे अनुसार इटली दे विच खालसे दे प्रगट दिहाड़े नूं मुख रखदिआं होइआं गुरद्वारा संगत सभा 13-9 वल्लों 28 मई दिन ऐतवार नूं विशाल नगर कीर्तन सजाउणा कीता जा रहा है। सो साडे नाल इस समें गुरद्वारा साहब दे प्रबंधक और होर संगतां जुड़ियां ने, आओ आपां उहनां नाल गल्लबात करदे हाँ ते उहनां तों जाणदे हाँ कि किस तरह दीआं तैयारियां कीतीआं जा रहीआं ने उस नगर कीर्तन नूं लै के जिहड़ा 28 मई दिन ऐतवार नूं गुरद्वारा संगत सभा 13-9 वल्लों इटली दी धरती ते सजाया जाणा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, कलगीधर पिता महाराज, उन्हां वल्लों साजिया खालसा पंथ प्रगट दिहाड़े दे संबंध में, विसाखी के दिहाड़े दे संबंध में जो मिती 18 मई नूं गुरद्वारा सिंह सभा 13-9 विखे जो नगर कीर्तन लिखा गया है उस विच सारी संगत नूं बेनती है कि हुम हुमा के पहुँचो। तकरीबन महीना डेढ़ महीना हो गया तैयारी करदियां नूं, बहुत सुचजे ढंग नाल असीं अगे भी उत्थे गए सी, बहुत सारे वीर पहुँचते ने, संगत हुम हुमा के पहुँचती है। वीरां दे चरणां विच बेनती है कि संगत वध तो वध उत्थे पहुँचण की कृपालता करे, नगर कीर्तन विच शामिल होवो। मैं चैनल वाले वीर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ, हैप्पी वीर का। तो इधर सरबजीत हुणी आए ने फबरियानो तो, सारियां दा वीरां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ। तो हुम हुमा के इस तरह मिती 18 मई नूं भी 13-9 विखे पहुँचने की कृपालता करन, इत्थे खिमा दी जाचक हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा। उस गुरद्वारा साहब दे विच इक स्टेज सकत्तर दे वजों सेवावां निभाउंदे ने हरप्रीत सिंह जी। इटली दे विच गल्लबात चल रही है कि शायद इस नगर कीर्तन दे विच श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह हुणी भी पहुँच रहे आ। उहनां दे बारे थोड़ी जी जानकारी जिहड़ी आ उह जरूर सांझी करो वी, खबर किन्नी कि सच्चाई है इहदे च। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਵਲੇ ਵਾਸਿਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 28 मई दिन ऐतवार को गुरुद्वारा संगत सभा 13-9 विखे जो कि विशाल नगर कीर्तन गुरु महाराज जी का ओट आसरा लैके इलाके संगतां दे सहयोग दे नाल कढ़िया जा रहा है। सो आप सब संगतां नूं चरणां दे विच बेनती है कि हुम हुमा के पहुँचना ते नगर कीर्तन दीआं रौनकां वधाउणियां। जिवें कि आप जी ने पुछिया है कि जिवें अकाल तख्त साहिब जी दे जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जो कि दास पिछली दिन इंडिया दे विच गया सी, सो सिंह साहब नाल जो कि मुलाकात होई उस दे विच उन्होंने कहा सी जरूर आवांगे, पर कुछ उन्होंने पहले तो लिखे हुए प्रोग्रामा दा करके जां कुछ उत्थों दे रजेवे दे करके जो कि वह आ नहीं सकते, पर उन्होंने इस गल दा जरूर विश्वास दवाया है जो कि वह जून महीने दे विच जां जुलाई दे विच इटली दी धरती उपर आउणगे। ਅਤੇ ਖਾਸ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ 13-9 ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੱਜਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 28 ਮਈ ਨੂੰ 13-9 ਵਿਖੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ LCD ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ, ਉਦਣ ਮੌਸਮ
सही रहे ते जेड़ा नगर कीर्तन आ वो पूरी चढ़दी कला दे नाल संपूर्ण होवे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।